क्षत्रिय समाज से संवाद करने आए हैं, कौन सी समस्या है, क्या उनकी कमी, क्या उनकी चाह है, वो पूरा करने का कार्य करेंगे और इस सरकार से करवाने का काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना भी नफरत की खेती कर ले, इस बिहार में हम नफरत की खेती नहीं होने देंगे, बल्कि उस नफरत के जमीन पर हम मोहब्बत की खेती करेंगे और बिहार में प्रेम भाईचारा हम लोग कायम रखेंगे। जिला के जीरादई में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम का आयोजन जदयू नेता द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार के आदेश के बाद जदयू नेताओं के द्वारा क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट होकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इस जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जदयू के पूर्व विधायक सह जदयू प्रदेश प्रवक्ता मंजीत सिंह, जदयू सांसद कविता सिंह, पूर्व मंत्री गौतम सिंह, जदयू नेता जीशू सिंह सहित कई सिंह नेता पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है। मंजीत सिंह ने यह भी कहा कि कल सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में कहा कि अब मिट जाएंगे, मर जाएंगे, पर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे बल्कि दो चार हाथ करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के लिए किए गए कार्यों को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और उनके कार्यों के बारे में बताने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद कविता सिंह ने कहा कि सिसवन डाला ओवरब्रिज के बारे में हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो ओवरब्रिज ना बन जाए। जब ओवरब्रिज बन जाएगा तो सिवान की बहुत सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। हम झूठा वादा नहीं करते हैं, हम करके दिखाएंगे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सुनिए पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा और सांसद कविता सिंह ने क्या कुछ कहा और जदयू नेता अजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जन संवाद कार्यक्रम जनता दल यू के द्वारा पूरे बिहार में हर प्रखंड, हर विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में उन्होंने काम किया है, जो विकास के रचनात्मक काम किए हैं, जो बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जा रहा है, ANM कॉलेज खोले जा रहे हैं, GNM कॉलेज जो खोले जा रहे हैं, इसके साथ जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जो नौजवानों को रोज़गार का एक अवसर मिल रहा है और सरकार ने हमारी जो वादा की है कि हम 20 लाख नौकरी और रोज़गार देंगे, उस पर तेज़ी से हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में साजिश कर रही है, बिहार को बदनाम करने की साजिश कर रही है, बिहार में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, बिहार को में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही है, नफरत की खेती कर रही है, वो हम बिहार की जनता को सतर्क और सावधान करने के लिए हम निकले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना भी नफरत की खेती कर ले, इस बिहार में हम नफरत की खेती नहीं होने देंगे, बल्कि उस नफरत के ज़मीन पर हम मोहब्बत की खेती करेंगे और बिहार में प्रेम भाईचारा हम लोग कायम रखेंगे। हमारे पास लंबी एक लिस्ट है सिवान ज़िले का, इसी सिवान ज़िले में अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं जिसका उद्घाटन बाकी है, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, IIT खोले गए हैं, इसके साथ ही कर्पूरी छात्रावास खोले गए हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, वह सिवान जिला को आगे बढ़ाने के लिए विकास के कड़ी में, देखिए जीरा देवी सिवान का एक जिला है जहां पर भूमि की उपलब्धता है, वहां पर मेडिकल कॉलेज इसी सिवान में हमारी सरकार ने खोली है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले
गए हैं। इसके अलावा एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज से लेकर सारे उच्च संस्थानों को खोला जा रहा है ताकि यहाँ का युवा पीढ़ी के लोग, हमारे बेटा हों बेटी हों, वह पढ़ें और आगे की ओर बढ़ें, उनको रोजगार का अवसर मिले। इस देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी की संज्ञा हम लोग देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विकास से मतलब होता तो क्या नीतीश कुमार जी जो लगातार बिहार के विकास के लिए मांग कर रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार को विशेष का राज्य का दर्जा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ सौतला पेन व्यवहार कर रहा है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में आज हम लोग उपस्थित होकर और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को हम उजागर कर रहे हैं। देखिए झूठा पार्टी हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि हम देश की जनता को 15 लाख रुपये हम देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे जो वादा इनके गृह मंत्री ने किया था, इनके देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि हम हर लोगों को 15 लाख रुपया देंगे। इन लोगों ने वादा देश के नौजवानों से किया था कि हम हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे। क्या 8 वर्षों में 16 करोड़ का रोजगार इन लोगों ने देने का काम किया? क्या इन लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? क्या बिहार में अच्छा दिन आया? इन लोगों ने कहा कि हम देश से महंगाई कम करेंगे, क्या देश से महंगाई कम हो गया? जहां बेरोजगारी दूर करने की वादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है? तो साथियों, जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ वादा करके दो दो बार इस देश में सत्ता हासिल करने का काम किया, एक भी उन वादों पर पूरा नहीं उतरे। और ये कहते रहे कि या तो हमने जुमला कहा था या हमारी जुमला थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठा पार्टी है। के ही समस्तीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन में, कि इस भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, अब जनता दल यू कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी और हाथ मिलाएंगे ही नहीं, बल्कि हम लोग दो दो हाथ करेंगे आने वाले 2024 में और 25 में। इन लोगों को हम लोग कड़ा जवाब देने का काम करें। 20 में जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की, LJP को खड़ा करके जनता दल यू को हराने की कोशिश की, और जहां उनके नड्डा साहब ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को हम समाप्त कर देंगे, तो क्या जो दूसरे दल के लोग हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे, साजिश में, क्या हम उनके साथ भविष्य में गठबंधन रख सकते हैं? इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल बिहार में नहीं, संपूर्ण विपक्ष को एक करके देश में हम उनके खिलाफ आवाज ही बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि 2024 में देश के गद्दी से नरेंद्र मोदी को उतार देंगे। और आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है, बाईपास सड़कें बन रही है, राम जानकी पथ का कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। और एक जो मेन समस्या है, हम उस पर निरंतर लगे रहते हैं, सिवान शिशवन ओवरब्रिज जो है, और इस पे लगातार हम माननीय मंत्री जी से संपर्क में, माननीय उस विभाग के जो भी सचिव हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और ये समस्या अगर दूर हो जाएगी तो हमको लगता है कि सिवान में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी कि जो इस सरकार ने नहीं की। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है जनता दल यू के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम, जिसमें 3 टीमें बनाई गई हैं, प्रत्येक 14 जिले हम लोगों को मिले हैं, और उसमें जाकर अपने सरकार की योजनाओं को और BJP के द्वारा जो गठबंधन टूटा, अन्य तरह की भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी सरकार की बातों को और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। लक्ष्मीपुर थाले को लेकर भी हम लोग ने बात किया था, उसका भी मतलब CPR वगैरह बन रहा है, वो जाँच हुआ था, और आगे जो भी मतलब कार्य होंगे आगे बताया जाएगा। देखिए, हम झूठा वादा नहीं करते, झूठ बोलकर हम नहीं आए हैं, हम कोशिश में लगे हैं। अब ये टेंडर की प्रक्रिया पर, शिशवन ढाले की जो बात आप कर रहे हैं, टेंडर की प्रक्रिया में है, अब कब तक? क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के द्वारा पथ निर्माण मंत्री कौन था, बार बार हम कोशिश करते रहे, हमने मंच के माध्यम से बताया कि भाई हमको श्रेय नहीं लेना है किसी कार्य का, जिसको श्रेय मिले वो ले, लेकिन करके दे, जनता की समस्याओं को दूर करे, और लगातार इसके लिए हम पहल कर रहे हैं। आज जन संवाद कार्यक्रम है सिवान जिला के ये नरेंद्रपुर गांव में, शहीद उमाकांत सिंह के पैतृक आवास पे
श्री स्वर्गीय शंभू बाबू जज साहब के सभागार में ये जनसंवाद का कार्यक्रम है। क्षत्रिय समाज से जनसंवाद कार्यक्रम है। आज सिवान जिला के करीब 5 प्रखंड के क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं, उनसे संवाद करने हमारे सरकार के 4-4, 5-5 नेता उपस्थित हैं। इस टीम के लीडर श्री मंजीत बाबू, औरंगाबाद के पूर्व सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, सिवान के सांसद माननीय कविता सिंह जी और छपरा के पूर्व मंत्री बिहार सरकार गौतम सिंह जी इस टीम में नेतृत्व कर रहे हैं। ये सभी लोग आए हैं संवाद करने, यहाँ के क्षत्रिय समाज को धन्यवाद देने और साथ ही साथ संवाद करने आए हैं। यही कार्यक्रम है आज। क्षत्रिय समाज से संवाद करने आए हैं, कौन सी समस्या है, क्या उनकी कमी, क्या उनकी इच्छा है, वो पूरा करने का कार्य करेंगे और इस सरकार से करवाने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय द्वारा जन संवाद कार्यक्रम जो बिहार के 3800 जिला में कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नेतृत्व करता सिवान के माननीय सांसद कविता सिंह जी, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक माननीय जदयू के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मंजीत सिंह जी द्वारा, पूर्व मंत्री माननीय श्री गौतम सिंह जी द्वारा एवं जहानाबाद के पूर्व माननीय सांसद जी द्वारा एक टीम है। टीम जो है सिवान जिले के शहीद उमाकांत बाबू के धरती पर ये संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्षेत्र के जीरादी प्रखंड, अंदर प्रखंड, मैरवा प्रखंड, रंगनाथपुर प्रखंड के साथी लोग आए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। आप के विकास नहीं, सिवान के विकास के साथ साथ में संगठन को भी मजबूत करना है और संगठन मजबूत रहेगा सभी आदमी का सोच है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मजबूत किया जाए। जो भाजपा द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है, इस सबको दूर करना है। क्षत्रिय महासभा को मजबूत किया जा रहा है जी। बिहार में टीम जो बैठी है क्षत्रिय जो है हमारे सिवा बिहार के सवर्ण लोगों हैं, उनके टीम में जाकर उनके साथ में मीटिंग किया जा रहा है। उसी के कड़ी में आज जीरादेई के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर इंद्र प्रसाद और शहीद उमाकांत बाबू के धरती पर यह नरेंद्रपुर में रखा गया है, जिसमें सिवान जिले के क्षत्रिय समाज के लोग जुटे हुए हैं और सभी लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। और हम लोग का भी यह है कि पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। लाल बाबू प्रसाद, सांसद प्रतिनिधि सिवान।